हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ जो स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी रीओपन जम्मू एंड कश्मीर पे जो इनका अपडेट आया हुआ है, आज का जो इम्पोर्टेंट अपडेट है स्कूल रीओपन को लेके, तो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहना, तभी आपको इसका जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मिल पाएगा। अभी जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, क्या वो ओपन हो सकते हैं? जहाँ कोई भी स्कूल एजुकेशन कॉलेज रीओपन को लेके जो ऑफिशियल अपडेट निकाला हुआ है, यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने जो नोटिस निकाला हुआ है, तो क्या पूरा चेक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले जॉब्स अपडेट, एजुकेशनल अपडेट, एग्जाम अपडेट सारे टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जे रहा फ्रेंड्स आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने निकाला हुआ है, तो जहाँ पे देख सकते हो जो रेस्ट्रिक्शन है कोविड 19 कंटेनमेंट के रिगार्डिंग, जो 22/8 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। पहले और भी जो बहुत सारे बोले हुए हैं, हमने मेन जो स्कूल वाला है उसे चेक करते हैं, उसमें क्या बात जहाँ पे की गई है। ठीक है, तो आप स्कूल वाला देखिए, देयर शैल बी द नो बीकैन क्रैपू किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहेगा। ऑल स्कूल एंड द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग कोचिंग सेंटर शैल कंटिन्यू टू रिमेन इनक्लोज्ड। ठीक है, यानी कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, कोचिंग सेंटर्स हैं, वो अभी भी बंद रहने वाले हैं। इन टीचिंग टिल फर्दर ऑर्डर तक वो अभी बंद रहने वाले हैं। हाउ एवर द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर परमिटेड टू सीक पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द वैक्सीनेटेड स्टाफ फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। जाने कि स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए बुलाए जाएंगे, जाने कि ऑफिशियल वर्क के लिए बुलाए जाएंगे। कौन बुलाया जाएगा? जो भी वैक्सीनेटेड होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बात करी जा रही है, गवर्नमेंट शैल कंसीडर फेस्ड रीओपनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर 100% वैक्सीनेशन ऑफ स्टाफ एंड स्टूडेंट हैज़ बीन अचीव्ड। तो गवर्नमेंट वही करेगी, वही कंसीडर कर रही है रीओपनिंग ऑफ स्कूल को लेके, जिस एरिया में जो 100% वैक्सीनेशन होगा, किसका? जो भी टीचर्स होंगे, स्टाफ होगा, जहाँ स्टूडेंट्स होंगे, उन्होंने अगर 100% वैक्सीनेशन है वो अचीव कर लिया होगा, तो उसी के बाद उनका जो क्या होगा, स्कूल रीओपन, वहाँ पे बच्चे जो जा सकते हैं। तो यही यहाँ पे बोला हुआ है। तो अभी इसका कोई भी जो इंपॉर्टेंट स्कूल रीओपन को लेके नहीं है, जाने कि अभी भी जम्मू एंड कश्मीर में जो आपके स्कूल हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, जहाँ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो अभी बंद ही रहने वाले हैं टिल फर्दर ऑर्डर तक। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए।